हेलो एंड वेलकम बैक। और अब हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो बाकी के टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए थे, जैसे मल्टी कैच एंड फाइनली। तो पहले हम फाइनली को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिखते हैं फाइनली, फाइनली अल्टीमेटली क्या होता है। फाइनली बेसिकली ये इसलिए हम लगाते हैं ट्राई एंड कैच के बाद, जिसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि इसमें कोई इम्पॉर्टेंट कोड आना है, ठीक है ना। ठीक है, मैंने तो फिलहाल ये सिर्फ अपना फॉर लूप लगा दिया है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जो भी इस ब्लॉक के अंदर लिखा गया है उसको एग्जीक्यूट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं, जैसे जब हम कनेक्शंस के प्रोग्राम बनाएंगे तो कनेक्शन को क्लोज करना है, वो हम फाइनली में लिखेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली जो है बहुत ज़्यादा जो है मैंडेटरी पार्ट नहीं है कि ट्राई कैच आपने लगाया है तो फाइनली भी लगाना जरूरी है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो उसको लगाइए और चाहे उसको नहीं लगाइए, लेकिन अगर आप उसको लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे ये मेक श्योर हो जाता है कि चाहे तो ट्राई वाला ब्लॉक चले या फिर कैच वाला ब्लॉक चले, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फाइनली के अंदर जो कोड लिखना है वो एग्जीक्यूट होता ही है, ठीक है ना। फाइनली नहीं लिखेंगे तो भी ट्राई एंड कैच के बाद जो ब्लॉक लिखा गया है, जो कोड लिखा गया उसको अल्टीमेटली रन तो होना ही है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आप एक साथ तीन चार डेवलपर वर्क कर रहे हैं, तो आपका लिखा हुआ कोड अगर कोई दूसरा डेवलपर देखता है तो वो ये समझ जाएगा कि आपने जो कोड फाइनली में लिखा है, फाइनली ब्लॉक में लिखा है, वो अल्टीमेटली एक इम्पॉर्टेंट कोड है जिसको एग्जीक्यूट कराना ही है, ठीक है ना। तो हम नॉर्मल इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, हमारा नॉर्मल प्रोग्राम चल गया है, ठीक है ना। ट्राई यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं आई है, फिर भी हमारा ये लूप वाला पार्ट चल गया है, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, एक एक्सेप्शन लेकर आ जाता हूँ जिसमें मैं 6 डाल देता हूँ। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई है, लेकिन फिर भी जो फाइनली के अंदर मैंने कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली फाइनली इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज, तो आप बता सकते हैं कि फाइनली जो होता है वो ट्राई एंड कैच का जो है वो एक पार्ट है, ठीक है। उसमें हम वो कोड लिखते हैं जो कि हमें, जो हमारा कोड इम्पॉर्टेंट होता है जिसको एग्जीक्यूट कराना ही होता है, ठीक है ना। बाकी फाइनल कीवर्ड में, फाइनल वाले लेसन में आपने अल्टीमेटली देखा था कि हमने फाइनल को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपका फाइनलाइज रह जाता है जब हम मेमोरी के ऊपर बात कर रहे होंगे, मेमोरी एलोकेशन के ऊपर बात कर रहे होंगे, तो हम फाइनलाइज के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं जो कि मल्टी कैच है, ठीक है। अब आपने देखा है कि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह की एक्सेप्शन आ जाती है। एक तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आती है, एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आती है, और एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है ना। तो मैं हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये वाला मैसेज ना प्रिंट किया जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर अकर्ड, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ और मैंने जो है एक कोड लिखा है, तो अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि अल्टीमेटली क्या एरर आई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो लिखा है ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, जब ऐसा मैसेज आता है आपके यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं है, तो आपने एक खुद से डिजाइन करके एक एरर की रिपोर्ट डाल दी है, बट स्टिल यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं होगा कि एग्जैक्टली कौन सी एक्सेप्शन आई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मल्टी कैच यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैच, कैच के अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन AE, और उससे रेलिवेंट डिवाइड एरर, ठीक है ना। एक और कैच लगा लेता हूं मैं यहां पर, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन,
एक और मैं गैस लगा लेता हूँ। एर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन बेसिकली जावा यूटिल में है, तो एक बार मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो यहाँ पर मुझे इनपुट मिसमैच की एक एरर आ जाएगी कैन नॉट फाइंड। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जावा यूटिल के अंदर है तो मैं स्कैनर हटाकर एस्टरिस्क लगा देता हूँ। इससे क्या मतलब होता है, यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सब इम्पोर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इस वापस से एरर को मैं चलाता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाई जीरो वाली एक्सेप्शन के लिए करता है, ठीक है ना। डिवाइड एरर वापस से चलाते हैं, 6 and 2 एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, फिर एक बार और चलाते हैं और यहाँ पर मैं आई कर देता हूँ। डिवाइड एरर, डिवाइड एरर अल्टीमेटली आ रही, क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन में डिवाइड ही लिखा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट मिस मैच, ठीक है ना। वापस से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो ये हमारी इनपुट मिसमैच की एक्सेप्शन है। आप देख रहे हैं बाकी का कोड आपका एज इट इज वर्क कर रहा है, जो बाद में आपने लिखा है एक्सेप्शन के बाद में। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली यहाँ पर मल्टी कैच यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और फाइनली आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप मल्टी कैच यूज करेंगे, तो आपने डिफाइन कर दिया अर्थमेटिक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इनपुट मिसमैच। अगर आप सिर्फ इतनी एक्सेप्शन रखेंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसी एक्सेप्शन भी आ जाए इस पर्टिकुलर कोड में जो ट्राई में आपने लिखा है, जो आपने यहाँ पर डिफाइन करना भूल गए। तो एक सेफर केस क्या होता है कि आप फिर भी एक एक्सेप्शन लगाकर चले, ठीक है ना। तो अगर इन सब में वो हैंडल नहीं होगी, तो अल्टीमेटली एक्सेप्शन में तो वो हैंडल हो जाएगी। एक्सेप्शन में क्यों हैंडल हो जाती है, इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। अल्टीमेटली जितनी भी एक्सेप्शंस हैं, है ना, जितनी भी जावा डिजाइनर ने एक्सेप्शंस बनाई है, या जितनी भी एक्सेप्शंस आप बनाएंगे खुद से कस्टम एक्सेप्शंस, वो सबकी सब चाइल्ड क्लास होती है। किसकी, एक्सेप्शन क्लास की। ये एक एक्सेप्शन क्लास है, इसकी सब चाइल्ड क्लासेस होती हैं। तो चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पेरेंट क्लास के अंदर रिसीव हो जाता है और उसको अल्टीमेटली वो प्रिंट करेगा। तो उस केस में क्या होगा, एरर अगर लिखा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके कस्टम मैसेजेस हो गए हैं और मल्टी कैच के साथ हो गया, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा है। और नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन के लिए मैं एक नया प्रोग्राम बना लेता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास टेस्ट एज। और मैंने जो क्लास बनाई है एज टेस्टर, उसमें मैं क्या करता हूँ, टी एज में मैं एज टेस्टर को कॉल करता हूँ और उसमें मैं एज को आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये हमने एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाया है, सेव करते हैं प्रोग्राम। देखिए एज मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, अगर कोई भी एज मेरे पास 14 ईयर से कम आती है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए लॉ के अकॉर्डिंग, तो 14 ईयर से कम का कोई एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वो पनिशेबल ऑफेंस है, अगर हम जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट में आता है, ठीक है ना। तो हम 14 ईयर से कम, अगर कोई हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा एम्प्लॉय आता है जिसकी एज 14 ईयर से कम है, तो वहां पर हमारा प्रोग्राम जो है वो एक एरर शो करे। सिर्फ एरर शो ना करे, बल्कि जो प्रोग्राम का फ्लो है वो ही इंटरप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें नॉर्मल जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एज एक हमने इंटीजर टाइप बनाया और उसमें कोई भी नंबर आना, ठीक है ना, 1, 2, 3, 0, 4 आना, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर केस पर एक्सेप्शन आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, तो अगर हमारी एज लेस देन 14 होती है, तो उस केस में हमें सिर्फ एरर ना दिखाई दे, हमारी एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाए,
ठीक है ना। तो एक्सेप्शन कैसे थ्रो करते हैं, ये एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन कैसे थ्रो करते हैं, ये हमें बेसिकली इस टॉपिक में हमें कवर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे कोई बेसिकली एक्सेप्शन क्लास को यहाँ पर थ्रो करना है। कौन सी क्लास को थ्रो करूँ, मेरे पास कोई स्पेसिफिक क्लास तो नहीं है, ठीक है ना, एज वाली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अर्थमेटिक वाली एक्सेप्शन को यहाँ पर थ्रो कर देता हूँ। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं, न्यू और ए आर आई टी एच अर्थमेटिक एक्सेप्शन को यहाँ पर मैं थ्रो कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। थ्रो करने के लिए मैं कीवर्ड यूज करता हूँ टी एच आर ओ डब्ल्यू थ्रो, ठीक है ना। तो आपको अब पता चल गया है कि थ्रो कीवर्ड किस लिए यूज होता है, थ्रो कीवर्ड अल्टीमेटली एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज होता है। तो ये किस केस में थ्रो होगा, अगर आपकी एज 14 से कम आ रही है तो इस केस में, यानी आपका जो जावा का नॉर्मल फ्लो है वो एज 14 होना 20 होना ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हमारे केस में हम उसको एक एक्सेप्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है, एज अगर लेस देन होती है 14 तो वो थ्रो हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल प्रोग्राम हमने बनाया है, ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। जावा सी एक एरर है, पहले उस एरर को निकाल देते हैं। यहां पर प्रिंट एल एन है, ये एरर थी कंपाइल टाइम, और अब ये जो एक्सेप्शन आएगी इससे हम देख लेते हैं। मैं फर्स्ट एम्प्लॉय की एज मैं नॉर्मल एज डाल देता हूँ विच इज 35, कोई एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार में क्या करता हूँ, मैं 14 डाल देता हूँ। 14 के केस में क्या होगा, ठीक है, अगर मैं 13 डाल देता हूँ, 13 के केस में क्या हो रहा है, मैंने क्या कंडीशन लगाई है, लेस देन 14, अगर लेस देन 14 आती है तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर बेसिकली थ्रो हो गई है, ठीक है। तो ऐसे हम अपनी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, यानी एक्सप्लिसिटली हम एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। एक्सटर्नल लेवल पर हम देख रहे हैं कि कैसे हम खुद से एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो सेकेंड टॉपिक हमारा है कस्टम क्लास एक्सेप्शन, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। हम क्या थ्रो कर रहे हैं, अर्थमेटिक, एज से अर्थमेटिक का कोई रिलेशन नहीं है, पर हमारे पास एज जैसी एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए कोई क्लास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम अपनी एक क्लास बना लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्लास एज इज नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ठीक है ना। आप कुछ भी अपनी क्लास एक्सेप्शन क्लास का नाम रख सकते हैं, ये मैंने एक्सेप्शन लाई है। जब भी आप एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं, कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं, तो आपको इनहेरिट करना होता है किसको, एक्सेप्शन क्लास को। मैंने आपको बताया था कि जो भी क्लास आप बनाते हैं या ऑलरेडी जितनी भी एक्सेप्शन क्लास बनी है वो सब चाइल्ड क्लास होती है, किसकी, एक्सेप्शन क्लास की, ठीक है ना। और कोई भी काम आपको यहाँ पर नहीं करना है, बस पब्लिक और आपका एक एज इज नॉट वैलिड एक्सेप्शन का एक मैसेज यहाँ पर, अगर आप मैसेज भी प्रिंट करना चाहते हैं तो मैसेज आ जाएगा। और उसमें आपको सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि जो आपकी एक्सेप्शन क्लास है उस एक्सेप्शन क्लास के अंदर आप मैसेज भी पास करा सकते हैं, आप चाहे तो मैसेज नहीं भी पास कराएं, ठीक है ना। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको मैसेज पास कराना ही है, तो आप चाहे तो मैसेज पास करा सकते हैं चाहे तो नहीं करा सकते हैं। तो हम क्या करा रहे हैं, मैसेज पास करा देते हैं और सुपर में इस मैसेज को पेरेंट क्लास तक पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। हमने सुपर कीवर्ड ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेंगे, हम करेंगे एज इज नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ठीक है ना। सेव करते हैं और वापस से इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक एरर आ गई है, कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये एक एरर है, अल्टीमेटली हम एज इज नॉट वैलिड एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं जिसमें एक कंस्ट्रक्टर लगा है विच इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हम वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। मैंने एक मैसेज डाल दिया, एज मस्ट अबव 14 इयर्स, ठीक है ना। चलिए कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को सेव करने के बाद, और अब देखते हैं क्या एरर्स हैं।
यहाँ पर आ रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, एज टेस्ट इज नॉट, एज एज इज नॉट वैलिड, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, ठीक है ना। क्या है इसका मतलब, यहाँ पर आपको अगर आप अल्टीमेटली एक ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें एक्सेप्शन है, जो कि आपने खुद लगाई है एक्सेप्शन, तो उसको हम ट्राई कैच में रखते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ट्राई और कैच, कैच में मेरा एज इज नॉट वैलिड एक्सेप्शन और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम, AGX, ठीक है ना। बाहर मैं एक मैसेज डाल देता हूँ जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम जो है परफेक्टली, यानी एक्सेप्शन आने के बाद भी रन हुआ है, नहीं प्रोग्राम एंड एंड्स हियर। सेव करते हैं और वापस से इसको कंपाइल करते हैं। अब हमारे पास जो है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर, ठीक है ना। चलिए ये क्या एरर है अल्टीमेटली, अगर आप किसी मेथड में एक एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन लगाते हैं, ठीक है ना, ये एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन है, तो उस मेथड के सिग्नेचर में आपको बताना होगा कि ये मेथड क्या करता है। दिस मेथड थ्रोज विच एक्सेप्शन which is age is not exception, you can use multiple exceptions, ठीक है। अगर आपके method में multiple exceptions आ रही हैं, तो यहाँ पर throws में आप comma लगाकर और बाकी की exception भी declare कर दीजिए। अब ये signature, सिर्फ signature देखकर ही आपको पता चल जाएगा, अभी तो इसके अंदर सिर्फ 3 lines of code लिखा है, ठीक है। हो सकता है आपका function, आपका method जो है मल्टीपल लाइंस का होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स का होगा, तो आप एक एक कोड को पढ़ेंगे और वहां पर जाकर देखेंगे कितनी एक्सेप्शंस हैं। तो उससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, सिग्नेचर्स पढ़ने से ही पता चल जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पर थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, अब आपके सामने सिर्फ सिग्नेचर है, सिग्नेचर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेथड है एज टेस्टर, इसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है और ये थ्रो करता है एक्सेप्शन। तो जब आप इसको यूज करने वाले होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है। एक कॉमा लगाकर आप और भी एक्सेप्शन लिख सकते हैं, वो भी आपके सिग्नेचर में जाएगी। तो ये अल्टीमेटली यहाँ पर बात है, ठीक है ना। चलिए मैं सेव करके अब वापस से इसको कंपाइल कराता हूँ, अब कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। चलिए वापस हम इसको क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एज में एंटर करा देता हूँ 12, तो 12 में क्या आ रहा है, एज इज नॉट वैलिड एक्सेप्शन, एज मस्ट बी अबव 14 years, और हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर लिखा रहा है प्रोग्राम एंड्स हियर, विच मीन्स कि हमारा प्रोग्राम इंटरप्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, वो एंड तक उसकी रीच हो गई है। लेकिन जहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती थी वहाँ पर एक्सेप्शन आ गई है, जिसने हमें एक एरर मैसेज दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो मैसेज है, आप ये मैसेज प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। मैं वापस से इसको एक बार कंपाइल करता हूं, एक एरर आ जाएगी। क्या एरर आ रही होगी, वहां पर एज का जो एज इज नॉट वैलिड एक्सेप्शन जो हमने बनाई है, उसमें एक कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट आ रही है, पर आप तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं डालना चाह रहे हैं, यहाँ पर तो आप जब आपने थ्रो किया है, तो उस केस में आपका पॉलीमॉर्फिज्म काम करेगा। याद है हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया जा सकता है ओवरलोडिंग से, और ओवरलोडिंग अचीव की जा सकती है या तो मेथड ओवरलोडिंग या फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर ओवरलोड कर दे रहा हूँ और इसमें कोई मैसेज नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, एम्प्टी है ये। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर आपका जब आप थ्रो कर रहे हैं कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर वर्क करेगा, अगर कोई मैसेज है तो ऊपर वाला जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो वर्क करेगा, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई एरर नहीं है। इस बार वापस से मैं 12 डालता हूं और आपका सिर्फ क्लास का नेम आ गया, एज इज नॉट वैलिड एक्सेप्शन, कोई मैसेज नहीं आया, जैसे लास्ट टाइम मैसेज आया था एज मस्ट अबव 14 years, ठीक है ना। तो ये है हमारी कस्टम क्लास, ठीक है ना। कस्टम क्लास कैसे बनाते हैं, एक्सेप्शन को इनहेरिट करते हैं एक्सेप्शन क्लास को, और जब आप कस्टम क्लास बनाते हैं तो आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है।
कि अगर आपने कस्टम क्लास अगर आपने एक्सप्लिसिट थ्रो किया है तो आपको उसके सिग्नेचर में बताना पड़ेगा थ्रोज कीवर्ड के थ्रू कि हम कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मेथड में, और जब उस मेथड को कॉल कर रहे हैं आप तो आपको ट्राई कैच लगाना होगा, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सा आपका मैकेनिज्म है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कुछ बातें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पर यूज हो गया है, ठीक है ना। हर एक टॉपिक यहाँ पर आप जैसे जैसे वर्क करते चले जाएंगे वो एक साथ कंबाइन होकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।